हेलो एवरीवन, मैं दिनोड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा एक एक चीज पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज की हमारे को गिवन क्या है, तो देखिएगा भाई, लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये कोई फंक्शन दे रखा है जिसमें एक्स बिलोंग्स टू आर बी ए टू बी। आपको बोला है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो रहेगी ए टू बी, कहने का मतलब इस फॉर्म के अंदर आएगी। अगली चीज, इफ एल्फा एंड बीटा आर रिस्पेक्टिवली द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, देन अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू। आपको इस लाइन में क्या बोला है कि ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो रहेगा अल्फा, ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा ए और बी का वो रहेगा बीटा, और आपको वैल्यू किसके लिए कहनी है, अल्फा अपॉन बीटा। तो कहने का मतलब अल्फा और बीटा मेरे को लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, शुरुआत कहां से करोगे, आपको एक चीज आनी चाहिए कि क्या भैया कि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा, ठीक है ना, ये आपके पास है कोई फंक्शन। अगर आपको बोले कि इसकी आपको रेंज लेके आनी है, क्या लेके आनी है, रेंज, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रास्ता रहेगा, हर बार लगेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का लोगे एक बार और एक बार प्लस का लिख दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। पता कि सर, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा की फॉर्म में आपको जब भी मिले, लेकिन ये एंगल सेम होना चाहिए, इस बात पे ध्यान। तो आपको क्या करना है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार माइनस का एक बार प्लस का। अगर ये चीज आपको आती है तो भैया किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेन चीज है इसमें, ये आपके लिए मेन चीज है भैया। चलो ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर कैसे लगेगी, तो मेरे पास वन अपॉन में जो बैठा है ना टू प्लस साइन थ्री एक्स प्लस कोस थ्री एक्स, तो एंगल सेम है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये ही लगेगा। तो मैं लेके आऊंगा साइन 3x प्लस कोस 3x की रेंज लेके आऊंगा सबसे पहली चीज। तो यहां पे a और b की वैल्यू 1 1 है, तो भैया पुट कर दूंगा डायरेक्ट, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और b 1 1 है ना, एक बार इसको मैं क्या ले लूंगा, प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास इसकी फाइनल जो रेंज आ गई वो आ गई भैया मेरे पास माइनस अंडर रूट टू से अंडर रूट टू, ये आ जाएगी, आ गई। तो मेरे पास इसकी तो रेंज आ गई, अब इसके अंदर प्लस टू का रखा है तो मैं प्लस टू कर देता हूं, प्लस का टू करूंगा तो सीधा सीधा कर दो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया, अंदर भी सीधा प्लस टू कर दो तो टू माइनस रूट टू हो जाएगा, टू प्लस रूट टू हो जाएगा। पता कि सुन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा प्लस टू कर दो, चलो ये भी ठीक है। अब वन अपॉन में बैठा ही है तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मैं रेसिप्रोकल करूंगा ना तो चीजें तो चेंज होती है, क्या देखिएगा, बस इस चीज पे आपको ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि जेई कई बार इन चीजों में घुमा देता है। देखो, टू प्लस अंडर रूट टू, जब इसका रेसिप्रोकल बिठाऊंगा तो ये आगे बैठेगा, टू प्लस रूट टू ये आगे बैठेगा, कोमा वन अपॉन टू माइनस रूट टू ये इधर बैठ जाएगा। कहने का मतलब जब रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू जो है
वो चेंज होके लेगा, है ना, ये हर बार लगेगा, याद रखना इस चीज पे, क्योंकि हम हमेशा इंटरवल में जो वैल्यू लिखते हैं वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखते हैं, बस ये दिमाग में बिठा लो। चलो ये तो क्या, ये होने के बाद अब आपके पास देखो इसकी रेंज आ गई, इसकी क्या गई भैया, रेंज आ गई। रेंज आने के बाद ये तो आपके पास रेंज तो आ गई, ये जो रेंज रहेगी वो बोला है कि ए कोमा बी की फॉर्म रहेगी, तो भैया मेरे को किस प्रकार की दिक्कत है, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की ये हो जाएगी, चलो ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन, सबसे पहली चीज कि अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या रहेगा, किसका भैया, ए और बी का। तो आप बोलोगे ए प्लस बी डिवाइड बाई टू होता है, है ना। चलो ए की वैल्यू देखिएगा, आपके पास थी 1/2 + √2, बी की वैल्यू 1/2 - √2 डिवाइड बाई टू कर देंगे। एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, यही होनी चाहिए, ए की वैल्यू ये हो गई प्लस वाली, एक बी की वैल्यू माइनस वाली। चलो भैया ये अब बस एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम अगर लिया तो टू तो पड़ा रहेगा, 2 का square - √2 का whole square, ये तो आ जाएगा नीचे, ये ऊपर पलट के जाएगा, 2 - √2 + 2 + √2, तो भैया ये कटेगा, मेरे पास ऊपर बन गया 4 2 * में, ये देखिएगा भैया ये 4 √2 का whole square 2 बचेगा, 2 ये बचेगा, तो भैया अब तो ये तो मेरे पास कितना आ गया, अर्थमेटिक मीन तो 1 आ गया, अरे ये किसके बराबर माना था, अल्फा के बराबर, किसके बराबर इसने माना गया है, अल्फा के बराबर बोला इसने, तो मैंने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकाल ली जो कि अल्फा के बराबर रहेगी, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं है, तो यहां लिख सकते हो कि अल्फा रहेगा, यहां लिख दो, ठीक है। ये तो क्या, दूसरी चीज मेरे को जो निकालना है वो ज्योमेट्रिक मीन, क्या निकालना है भैया, ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों नंबर का। अब आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ए और बी का क्या होता है, अंडर रूट ए बी, यही होता है ना दो नंबर का। चलो ए और बी तो 1/2 + √2 * 1/2 - √2, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि चीज तो आई पड़ी है, और ज्योमेट्रिक मीन को ये किससे डिनोट कर रहा है, बीटा से, ज्योमेट्रिक मीन को किससे, बीटा से। तो देखिएगा भैया नीचे भी सेम यही लगेगा, 4 - 2 बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर 1 है और पूरे के ऊपर क्या है, रूट है, तो भैया आपके पास आ गया 1/√2, ये आ गया बीटा, क्या गया बीटा, तो अल्फा 1 है, बीटा 1/√2 है, और आपको बोला गया था अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू, अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू 1 और 1/√2, है ना, और ये पलट के ऊपर जाएगी तो रूट टू मेरे पास इसका आंसर हो गया, अल्फा अपॉन बीटा कितना आ गया, रूट टू आ गया। तो देखिए भैया ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा भैया, ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो बिठा रखी है वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाली एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिली, इसका मतलब ये आपको आना चाहिए, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन जो कि एपी के अंदर आता है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आया होगा, फिर भी अगर किसी प्रकार से किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।